बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए डीजीपी के निर्देश पे तथा शासन के निर्देश पे केवल अयोध्या जनपद में 10,000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अयोध्या नगरी में जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी मॉडर्न है और ऐसी सुविधाएं से लैस होंगे जिससे कि पुलिस के कार्यों में मदद मिले। ड्रोन रिवर की सिक्योरिटी सभी चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएंगी वहाँ तथा आसपास के जनपदों में रहने वाले सभी लोगों से ये लगातार समन्वय बना के ये प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या के इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सभी एजेंसियों के आपसी समन्वय से कार्यक्रम चल रहा है। शासन आपने देखा होगा शासन स्तर से तथा डीजीपी के स्तर से लगातार वरिष्ठ अधिकारी वहाँ भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ के चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। 17 या 18 तारीख से भारी वाहनों को अयोध्या नगरी से डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी लखनऊ के कमिश्नर, कानपुर के कमिश्नर तथा एडीजी लखनऊ के द्वारा समय समय पे जारी किए जाएंगे जो कि उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, प्रिंट मीडिया में भी अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल होगा तथा उनके अधिकारी इन चीज़ों को आपको समय समय पे ब्रीफिंग करेंगे। सारी व्यवस्थाएं डायनेमिक होंगी, कितनी भीड़ होती है और क्या किस तरह की चीज़ें लास्ट मिनट तक उत्पन्न होती हैं उसको देखते हुए व्यवस्थाएं की जाएंगी। ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि आम नागरिकों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। रेल सुरक्षा के बारे में भी पुलिस महानिदेशक के द्वारा विशेष और अतिरिक्त पुलिस बल जीआरपी को उपलब्ध कराया गया है। रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड्स पे, सभी पे अधिक से अधिक बेहतर पुलिस व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी।